पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मामले में राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक वरिष्ठ वकील की हत्या के आरोप में दर्ज मामले में गुरुवार को अदालत उन्हें सुरक्षात्मक जमानत दे रही है। साथ ही 8 अन्य मामलों में खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के प्रमुख इमरान खान का नाम वकील अब्दुल रजाक शर की हत्या में शामिल था। वे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे। 6 जून को क्वेटा में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर अब्दुल रजाक शर की हत्या कर दी थी। इसके बाद शर के बेटे ने आरोप लगाया था कि उसके पिता की हत्या पूर्व पीएम के इशारे पर की गई थी। उसने बताया था कि वकील शर ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मामला दायर किया था। इसके बाद संघीय सरकार और इमरान की पीटीआई पार्टी ने एक दूसरे को दोषी ठहराया था। दोनों पक्षों ने हत्या में एक दूसरे की भूमिका की बात भी कही थी।